कक्षा 9वीं लोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कविता तीसरी, निज भाषा। निज भाषा, निज का मतलब होता है अपनी, यानी अपनी भाषा। इस कविता के कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी में हुआ। मृत्यु 6 जनवरी 1885 वाराणसी में हुआ। परिचय उनका, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि में लेखक किया हुआ है। इस पद्य संबंधी निज भाषा, यह एक दोहा है। दोहों में कवि ने अपने भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। यानी दोहे के माध्यम से, दोहा यानी क्या होता है, दोह का मतलब होता है दो पंक्तियों वाली कविता। दोहों के माध्यम से कवि ने अपनी भाषा का महत्व, उसके प्रति गौरव की भावना अनुभव करने, मिलकर भाषा की उन्नति का प्रयास करने तथा मिलजुल कर प्रेम के साथ रहने का संदेश यहाँ पर दिया हुआ दिखलाई देता है। देखो दोहा, पहला दोहा इस प्रकार है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही व को सूल। इसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ उसके पहले यहाँ देखना है अपने को कुछ शब्द, कठिन शब्द के अर्थ। निज यानी अपने, कहाँ था निज यानी अपनी, अहै यानी है, बिना भाषा ज्ञान के मिटत यानी मिटता है, ही यानी हृदय, सूल यानी पीड़ा। देखो इसका भावार्थ इस प्रकार है, हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार से उन्नति होती है। अपनी मातृभाषा कौन सी है, मराठी है। यदि हमें अपनी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, हर समय मन के एक प्रकार की कसक रहती है। यानी इसीलिए अपनी जो मातृभाषा है, जो मराठी भाषा है, इस भाषा में ही अपने को उस भाषा का ज्ञान रहना चाहिए। दूसरा दोहा देखो, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। शब्दार्थ देखो, पढ़ी यानी पढ़कर, यद्यपि यानी यद्यपि, गुण यानी गुण, प्रवीण यानी चतुर, पै यानी परंतु, बिन यानी बिना रहते हैं, रहते यानी रहते हैं। इस प्रकार के यहाँ कठिन शब्द आए हुए हैं। देखो इसका भावार्थ देखो इस प्रकार का है। आज के युग में क्या होता है कि आज के युग में अपन अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं और इस भाषा पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का जो विकास है, यह विकास संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। तीसरा दोहा देखो, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मुड़ सब कोय। शब्दार्थ देखो यहाँ कठिन शब्द में, पला रहत मुड़ यानी अज्ञानी या मूर्ख, कोय यानी अन्य सदस्य, उसको यहाँ पर कोय कहा गया है। देखो इसका भावार्थ इस प्रकार है, कोई भी परिवार तभी उन्नत समझा जाएगा जब उस घर के सभी सदस्य उन्नत विचारधारा वाले हो। यदि केवल मुखिया ही उन्नत हो, प्रवीण हो, वह अन्य सदस्यों की उन्नति पर ध्यान न दे तो परिवार के अन्य सदस्य मूर्ख ही रह जाएंगे। यही बात मातृभाषा पर लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी
तभी हमारा विकास होगा। इसके बाद का दोहा देखो, निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हुए है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे कि न कोय। यहाँ देखो कठिन शब्द कबहू, कबहू यानि कभी भी, हुए है यानि होता है। देखो इसका भी भावार्थ, इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। उसके बाद पांचवा दोहा इस प्रकार से है, एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे मनत है सबन सो, मिटत मुड़ता सोंग। देखो इस दोहे में कठिन शब्द मति यानी बुद्धि, एक एक भाषा, एक यानी एक भाषा, तबई तबई यानी तभी, बनता है सबन यानी सभी को, मुड़ता यानी मूर्खता, सोग सोग यानी शोक। देखो इसका भावार्थ इस प्रकार से है, जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करे, एक ही भाषा में बात करे, तो बुद्धि का समुचित विकास होता है, तभी घर में एकता रहती है, घर के साथ साथ देश में भी एकता रहती है, साथ ही अज्ञानता व शोक का नाश होता है। यहाँ देखो अपने भारत देश में विभिन्न भाषाओं का देश है, परंतु जिस जिस देश में एक ही भाषा है और वह उस भाषा की प्रगति की है उन्होंने, तो वह देश जो है वह देश समृद्ध देश हुआ हुआ दिखलाई देता है। उसके बाद का दोहा देखो, एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो, मिटत मुड़ता सोग। इसके भाष इस दोहे को भी देखो, कठिन शब्द मति यानि बुद्धि, तभी यानि तभी, सबन सो यानि सभी को, मुड़ता यानि मूर्ख, देखो जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस तरह तो अपलाता है,